अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली आज आप मुझे मेरे घर में देख रहे होंगे, तो अपने घर पर मैं पहुँच चुकी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा, और आज बहुत से सवाल थे तो उनके ना सारे जवाब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आपको दे सकूँ और आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाएं। सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने आंसा को बहुत पसंद किया, उसके लिए इतनी सारी दुआएं दी, तो उन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि अचानक शादी क्यों हुई। ये अचानक शादी नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ रिश्ता देखने के लिए। रिश्ता तो खैर पहले देखा हुआ था, वो सिर्फ दिनों की बात कर रहे थे कि कब शादी करनी है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि हमने मार्च का बोला था कि हम मार्च में शादी करेंगे, या जैसे ही नबीद भाई की रुखसती करेंगे ना, आयशा को हम लेकर आएंगे, तो उस दिन हम आंसा का भी साथ निकाह कर देंगे। लेकिन उनकी वालदा की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने ये था कि रात के टाइम भी इनकार हो चुका था कि नहीं, अभी हम शादी नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको मंगनी कर सकते हैं, ये वो इस तरह का सीन था। तो लेकिन कपड़े आए हुए भी वापस हो गए थे, लेकिन फिर क्या है, दोबारा से हमें उन्होंने फोर्स किया, तो इस वजह से ये सुबह के टाइम हमने निकाह किया है। ठीक है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने ये सवाल भी उठाया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। इसके अलावा दूसरी बात कि आपने बेटी को कोई जहेज़ क्यों नहीं दिया। देखें, अगर मेरे वालदैन हमें इतना जहेज़ दे सकते, हमारा घर बड़ा पड़ा है, तो मेरे ख्याल में वो उसको भी लाजमी देते। लेकिन क्या है कि आंसा का बहुत ज़्यादा सामान जो है वो बना पड़ा है, ठीक है, और वो भी हमने देना है आस्ता आस्ता। बहुत से सवाल थे, तो इस वजह से फिर मैं कमेंट्स में इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दे सकती थी, ठीक है। तो इस वजह से जहेज़ आंसा को हमने देना है, और काफ़ी चीज़ें उसकी बनी हुई हैं। आपको पता है कि हानिया छोटी है, लेकिन मैंने भी उसका काफ़ी सामान, ख़ासतौर पर बिस्तर, क्योंकि हम लोग अपने बच्चियों को इतना सामान देते हैं कि जो उसका पहला बच्चा होता है ना, तो वो इजीली अपने बच्चे की शादी कर सकती है। इसी तरह मैंने भी हानिया के बिस्तर बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आंसा का भी माशाल्लाह से सामान है, उसका फर्नीचर है, सारा कुछ है, वो हम आस्ता आस्ता उसको दे देंगे, ठीक है ना। अभी इतने भी हालात हाई फाई नहीं है कि मम्मा वो रात तो रात बोले और दो घंटे में हर चीज़ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा आपके सामने मैं शादी निकाह में खुद तैयार नहीं हुई, कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी, बस जैसे मुझे जो जो बोलते गए मैं वो करती। बाज़ार में भी मेरे कुछ 7-8 चक्कर लगे हैं, घर का काम करना, सारा कुछ। उस दिन मासी भी छुट्टी पे थी, ठीक है। तो इस वजह से आंसा को जहेज़ इस वजह से नहीं दिया, लेकिन अभी हमने उसको देना है। मेरे वो उन्होंने हमें लहंगा भी भेजा था, तो मेरे पास उसकी भी वीडियो है। वैसे हम निकाह वाले दिन हम अपनी बेटी को अपने ही घर से सूट पहनाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इतनी इमरजेंसी में कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने एक लहंगा लिया था, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसने स्टिच होना था। तो वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, कल के व्लॉग में शायद कर लूँ। तो फिर हमने ये सिंपल सा ड्रेस ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि हम सब बहनें जो है ना सिंपल कपड़े ही पसंद करती हैं, और जो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया। इसके अलावा जी, शादी में मेरे फादर नहीं थे, मेन बात, मेरी बात सुने। शादी में ना तो मैंने कोई प्रॉपर व्लॉग बनाया है, आयशा भाभी भी मेन टाइम ही पहुंची हैं लास्ट पे, तो जाहिर सी बात है दिलबर भी बिज़ी था। उसने हर बड़ी कोशिश की है, जितना वो रिकॉर्ड कर सकता था उसने किया, उन्होंने किया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी फूफू है ना, उनकी डेथ हो चुकी है, जो छोटी है, उनके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरे जो फूफा जी हैं, मेरे वो ताया जी भी लगते हैं रिश्ते में, उन्होंने बुला लिया था, क्योंकि मेरे बाबा के सिवा वो किसी के हाथ में नहीं आता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर वो भी निकाह में थे, ठीक हो गया। रही बात बड़ी बहन की, देखें यार, मैंने उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मेरा घर ये ना करो, मेरा घर में तुम मनहूस हो, ये वो, मैंने ऐसे अल्फाज नहीं बोले, आप लोग ब्लॉग में देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्लानिंग चल रही थी वो उनके घर बैठकर भी ये सारी प्लानिंग हुई थी कि निकाह के लिए वो आ रहे हैं, ये वो, जब वो चूड़ी या सूट का नाप लेने के लिए आए थे ना, उस टाइम भी मम्मा लोग सारे आपिस आयमा के घर ही बैठे थे। और मम्मा जब भी आपिस आयमा के घर जाती हैं तो उनसे बात नहीं करती हैं, सीधी सी बात है, चाहे इसके बाद हज़ारों रिएक्शन आए, लेकिन ये बात हकीकत है। तो उसके बाद हानिया ने भी बोला तो कि हम चलते हैं,
तो दिलबर ने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, हम सुलह की बात करते हैं। लेकिन यार वहाँ पर एक चीज़ थी जो मैंने रोकी है, सिर्फ इस वजह से मैं वहाँ चुप हो गई कि मम्मा तो बोल रही थी कि आप चलें, हानिया बोल रही थी ना। तो वो मम्मा का घर था, हानिया का घर है, लेकिन हानिया भी छोटी बच्ची है। भाई नदीम वहाँ बैठे थे, भाई नदीम ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि हाँ आप लोग चलें। देखे जाना हमने था, फिर भी उन्होंने बोला कि उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि हाँ आप लोग हमारे घर चलें, बात हो जाए। क्योंकि वो बार बार व्लॉग में यही बोल रही हैं कि मेरा मरना जीना ख़त्म है, मेरे घर नहीं आना, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो उस वजह से फिर मैंने दिलबर से भी बोला और भाई मम्मा से भी बोला कि नहीं मम्मा जी हम फिर कभी चलेंगे, सुबह चले जाएंगे। बात को मैंने टाल मटोल कर दिया। सुबह के टाइम जाहिर सी बात है कि हम रात भी ऐसे ही सो नहीं सके, आंसा को मैं ब्लीच वगैरह करती रही। जाहिर सी बात है घर में जो मेरे पास सामान था मैंने वही करना था, लेकिन पास में सलोन है। फिर सुबह उन्होंने घर अच्छे से रेडी कर दी थी, मेहंदी भी लगा दी थी, सारा कुछ कर दिया था। सुबह के टाइम मम्मा जब उसको लेने के लिए गई हैं कि साइमा आप चलें, तो उसने मम्मा को कोई कसर नहीं छोड़ी इंसल्ट करने की। एक माँ आपको लेने के लिए गई है तो आपका हक बनता है कि आप आ जाएं, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरा मर्रा जीना ख़त्म है, मेरे पास इधर घर मत आना, ये मत करना, वो मत करना। तो इट्स ओके, फिर मम्मा भी रोती हुई वापस आ गई हैं। और उस टाइम चले मैं इतनी डीपली बात नहीं करना चाहती, तो बस फिर मम्मा को भी समझाया कि मम्मा जी प्लीज़ कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप अकेली हो गई हैं, आप चुप हो जाएं, कुछ नहीं होता। खैर अगर आयशा बहावलपुर से आ सकती है ना तो वो पास बैठी थी, वो भी आ सकती थी। लड़ाई आपकी मेरे साथ थी, आंसा के साथ नहीं थी। और आंसा ने उस टाइम पे, अभी भी शायद उनके नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग या वो पड़े होंगे, कि उसने आप ही साइमा को जब वो तैयार होकर आई है कोई 10 से 15 फ़ोन किए हैं, तो शायद उसने मम्मा का नंबर कहीं ब्लैकलिस्ट में लगाया हुआ था, तो आंसा की कॉल नहीं जा रही थी। मैंने कहा बेटा आप अपना मतलब परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आप कॉल ना करें। हाँ दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ भाई नदीम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया, पूरा टाइम दिया है, पूरे 2 दिन, मतलब जैसे आज का निकाह से 1 दिन पहले सारा दिन वो घर पे यही चीज़ें देखते रहे हैं सारा कुछ। तो उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे साइमा से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, उन्होंने पहले बात छोड़ी थी, जब उनके ऊपर कोई बात करता है तो उनको बहुत रोना आता है, एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। तो कोई बात नहीं, मैं भी तो इतनी दूर आकर बैठ गई हूँ, मेरा भी दिल बहुत दुख है, मैं भी सारे रास्ते रोती आई हूँ। लेकिन क्या है कि मैं ये चीज़ें रोना धोना हर चीज़ छोड़ दी है, मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो भी तकलीफ़ है मैं अपने रब के सामने रो लेती हूँ, वैसे घर में बैठकर अकेले आपस में बात कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैं YT पे ये बताना छोड़ दिया है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ निशान है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ये हर चीज़ मैंने छोड़ दी है। क्योंकि मैं जितना यहाँ पर बताती हूँ उतना वो मेरे ऊपर अमल ज़्यादा होता है, इसलिए अपने बारे में मैंने यहाँ पर अपडेट देना ही छोड़ दी है। तो उस दिन से मैं समझती हूँ कि चलें 10% मेरी जान छूट गई है, 90% अभी है लेकिन 10% मेरी जान छूट चुकी है, मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ। एक लास्ट बात जी, खाना तो दिलबर ने दिया? नहीं जी, दिलबर ने कोई खाना नहीं दिया, खाना भाई नवीद ने खुद बनाया है। नवीद भाई से याद आया जी, बोला गया कि नवीद भी शादी पर नहीं है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, नवीद भाई भी शादी में है, आप आयशा के ब्लॉग में देख सकते हैं। ठीक है, हमने उसकी कोई प्रॉपर रुख्सती वगैरह जो थी वो अपनी तरफ से तो हमने कर दी थी, लेकिन क्या है कि बाद में अम्मी लोग भी मिलने के लिए गए थे। जाहिर सी बात है मेरी अम्मी बीपी की मरीज़ हैं, और उनमें शायद रवाज है कि बच्ची को पास जाते हैं फिर वो आती है, मुझे भी इतने रवाजों का तो नहीं पता लेकिन उनका है। और अगर ये सारा कुछ पहले से पता होता तो शायद हम भी टिकट ना करवाते, लेकिन मेरी माँ बहुत उदास है उस वक्त, फिर दिलबर भी कैंसिल नहीं करवा सकते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पीछे घर है, मैं अपने घर को आपके सामने नहीं छोड़ सकती। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, आप मेरा कल वाला ब्लॉग देखिएगा, मैं थक टूट चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं इतनी थकी हूँ, अभी मेरा खाना जो है वो चूल्हे पर पड़ा है, मैंने आज खाना किस तरह बनाया है वो भी आप मेरे कल के ब्लॉग में देखिएगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग एंड कर लूँ, फिर मेरी सारी बातें जो भी सवाल हैं बार बार सुबह से आ रहे हैं वो दिमाग से निकल रहे हैं। तो कोई चोरे छुपे मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है, उसके नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। और वो कल उनको वापस भी ले आए थे, ठीक है, अभी ये मुहर्रम के बाद जो है जाएंगे, क्योंकि उनकी वालदा को ये था कि बस मेरे बच्चे का निकाह हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी छोटी बहू भी देख कर जाऊँ। बस आप मेरी बहन के लिए लाखों दुआएँ कीजिएगा, उनको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और जो प्रॉपर रूटीन है सारा कुछ है वो आप आयशा के व्लॉग में देख सकते हैं, वो दिखा रही है, आप आयशा घर पे ही है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए जब तक आपको पूरी बात का पता ना हो तो इतनी, हाँ आप लोगों का हक बनता है कि आप सवाल करें, लेकिन आप जो ऊपर नीचे गलत राय देते हैं वो गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो है पसंद करने का शुक्रिया, आज मैं घर आई हूँ तो बहुत से सवाल थे दिमाग में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी वालदा से बहुत उदास हूँ, तो बस उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि मम्मा जी अपना ख्याल रखें, मैं आती जाती रहूँगी।
तो इस दफा वाकई ही बहुत ज्यादा दिल दुख है, क्योंकि मम्मा के घर कभी भी इतना नहीं रही थी जितना इस दफा रह के आई हूँ। तो नवीद भाई सबके बार बार कॉल्स आ रही हैं, किसी का भी दिल नहीं लग रहा, तो मेरा खुद दिल नहीं लग रहा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लाजमी चक्कर लगाऊंगी, तो अच्छे से फिर दोबारा ऐसे ही टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। और मैं कोशिश किया करूंगी कि दिलबर से इजाज़त लेकर अपना चली गई और वहाँ पर फिर मैं रह कर आ गई। लेकिन ये है कि मैं अकेली सफ़र करना अभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो या मुझे ये छोड़ आए तो ऐसे करके कोई सीन बनाया करूँगी, तो लाजमी जाया करूँगी। तो सारी बातें जितने भी थी मैंने क्लियर कर दी थी। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो वेरी सॉरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे, समझ आ गई होगी। तो अपनी बहन को ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ढेर सारी दुआएं। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि सनिया आप तो सिंपल इतनी अच्छी लग रही थी, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं सिर्फ अपनी केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब से प्रॉपर केयर किया करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर किया करूँगी। वेट लूज़ मेरा काफ़ी हो गया था, लेकिन मम्मा के घर तो जो चीज़ मिल रही थी, लेकिन वहाँ भी बहुत एहतियात से मैंने खाई सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि आप मम्मा के घर जाकर तो बल्कि मम्मा के किसी के घर भी आप जाएँ तो आप डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से खाना ये वो सारा कुछ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, अभी प्रॉपर फिर से वही प्लान शुरू करूँगी। और आप यकीन करें कि आज मैं वापस आई हूँ और आज ही मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं लिया, मुझे भूख ही नहीं लगी है। तो कोई बात नहीं, आज मैंने अपनी सारी ये बातें क्लियर कर दी हैं। इंशाल्लाह साथ साथ फिर और भी जो काम बातें होती रहेंगी लाइफ में वो मैं क्लियर करती चली जाऊंगी। और एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में मैं आपके साथ ये बात शेयर भी करूँ, क्योंकि जब मैंने ये बात बोलनी है तो उस बंदी को बहुत आग लगनी है, उसने फिर आके भड़कना है, उसको जितना भी ब्लॉग कर दो उसको कोई असर नहीं होता। तो बस यही मेरा ब्लॉग था ट्रैवल का, जितना भी बना सकी थी, उदास काफ़ी हूँ। तो बस अपनी बहन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई और सवाल होगा तो लाजमी कमेंट्स कर दीजिएगा, तो उसका भी जवाब आपकी बहन लाजमी देगी। और बस मैंने ना तो किसी को मनहूस बोला, किसी को मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेरा घर ख़राब ना करें, क्योंकि आप डेली बेस पे मेरे ऊपर रिएक्शन दे रही थी। तो बहन भाइयों को बहुत अच्छे से पता होता है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या नहीं हो रहा। मेरे ऊपर बहुत सी इल्ज़ामात आपने बाई फेस भी लगाए हैं, तो चलें कोई बात नहीं, छोड़ा आपको। अल्लाह आपको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, रब रखा।